माशाल्लाह आप लोग सोच रहे हैं आज साथ में हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सरप्राइज है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोग को वो सरप्राइज से ही बताएंगे, जो इतनी मेहनत के बाद में और इतनी दुआओं के बाद में और इतने बोलते ना दिल लगा के मेहनत किए हुए मैंने और जाना ने, है ना, जाना ने ज़्यादा ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगी। और कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, क्या करने जा रहे हैं, क्या काम से जा रहे हैं और क्या इम्पोर्टेंट है और क्या मेहनत किए, किस बारे में बात कर रहे हैं, वो आप लोग को देखने तो आगे आगे मिलता ही रहेगा। तो मैंने चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को जामिन की पूरी फैमिली की तरफ से देवासी बहुत बहुत मुबारक हो। और पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताई थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जब लोग रेडी हुए थे तभी तो हम लोग कहीं बाहर ही गए थे, बट हम लोग ब्लॉग शूट नहीं करे क्योंकि ऐसा हो गया कि हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया, यानी मूड भी चेंज हो गया था क्योंकि इतनी बारिश थी और मेरा फोन सब मेरे पर्स में था और पर्स मेरा आंटी के पास था, बराबर। तो मैंने सोचा कि जब फैमिली के साथ बाहर निकले तो क्या है थोड़ा सा ब्लॉगिंग करते, लेकिन फिर मैंने सोची कि थोड़ा आज थोड़ा सा रिलैक्स करते कि ईद और बातचीत का माशाल्लाह मैंने ब्लॉग बहुत बड़ा बनाई थी, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं ली थी और आज दिवासी को मैंने सोचा कि स्टार्ट करते। और देखो माशाल्लाह शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, दुआ करते कि ब्लॉग ही बहुत अच्छा रहे और जैसा हम खुश हैं वैसा आप लोग भी खुश हो जाए ब्लॉग देखकर। तो मिलते हैं फिर, और जो भी आगे की अपडेट रहेंगी वो तो मिलती रहेंगी। और मैं बता दूँ कि टाइम हो रहा है अभी 8:30, है ना, ये देखो 8:30 हो रहा है। तो आप लोग सोचो कि इतनी सुबह सुबह हम लोग अगर कुछ काम होता है जैसा बहुत इम्पोर्टेंट, तो हम लोग जब दोनों भी उठ जाते हैं काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही, हमारे यहाँ पर गरीब नवाज का चिल्ला है तो वहाँ से सलामी देते हुए, और ऐसा क्या काम है जो हम लोग आज बाइक पे नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं रिक्शे में, तो आप लोग भी गेस करो जब तक, और शायद से आप लोग भी सोचते रहेंगे कि आज हम लोग इतना बाइक पे घूमने वाले दूर दूर तक हम लोग रिक्शे में क्यों जा रहे हैं, तो अब जाते रहे हम लोग देखो दोनों ही जन खाते तुम्हें इंशाल्लाह। मैंने कहा ना कि मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, वरना लेकिन आप लोग को इतना है कि उस बारे में थोड़ी सी तो अपडेट में ज़रूर दूँ, अब वो कैसा देना क्या देना है वो हम लोग पूरा डिसाइड करेंगे, अगर पूरा नहीं हुआ लेकिन 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 ये ब्लॉग में थोड़ी सी अपडेट में जरूर दूँ, तो फिर मिलते हैं कुछ मिला है। नाश्ता करे तू बेटा, हाँ यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए देखो जाना जाना और जैन भाई जैन हैकर जैन हैकर नाम बता रहे हैं, और यहाँ पर ये मेरे बच्चे वीडियो बना रहे हैं ये देखो, है ना। तो यही था सरप्राइज़ मैं आप लोगों को बताने आई थी, मेरी सबसे बड़ी बोलते ना एकदम क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, कुछ बता नहीं सकती, माशाल्लाह माशाल्लाह एक बोलते ना कि क्या नहीं मिला और मिल गया तो भी क्या नहीं मिला ऐसा है, और माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से यही था मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज़, मेरे बच्चे लोग मेरे से मिलने आए थे, और अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं, सब आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। This is my sister. This is my mom. We are starting the McDonald's. He is busy with the game. We don't और गुड मॉर्निंग हुई
आराम करो नींद में जा भाग 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 रुक जा अच्छा हटो तो अच्छा अंदर तो आओ जा जा भाग 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 क्या खिला रहे क्या खाए तुम लोग बताओ इसकी मिम्मी लग से मिम्मी से नहीं है हम लोग के पास है ना ये अरे छुप ना दिस इज माय बेबी अंग्रेजी अम्मी सुनो पीछे मेरे खालू है ये नाना की और नानी की ना वो शादी के होटल क्या बोल रहा पीछे क्या बोलते भाई अपन कौन है भाई लाला मुत्तर फ्री फायर हैकर हां ये बेटी है जोया की ये मेरी बेटी है जोया की बेटी हां नहीं तो मैं हूं ना ये मेरी जाना है हमारी पार्टी हो रही है ना जन्नत जन्नत तो बहुत हाई है तो हार्ड है हमारा जन्नत अपन कौन है भाई एमसी स्टैंड के दीवाने ना नहीं फ्री फायर के दीवाने एमसी के नहीं एमसी स्टैंड के दीवाने ना नहीं फ्री फायर के दीवाने एमसी के नहीं एमसी फ्री फायर ओके लेकिन एमसी स्टैंड अलग है फ्री फायर अलग है अल्लाह वो मतलब नहीं ना मतलब एमएलए रहेंगे अरे कैसे आ गया तुम नहीं वो कंपनी अलग है अपन एमसी स्टैंड वाले लोग है ना भाई हिंदी वाली चीज भी लेके आए खरीद के मेरी मम्मी का गई आधा घंटा को मिला मेरे लोग को जाने का है सब टाइम टेबल से बंदा बोलो तो सही कुछ मालूम ना बंटा कुछ भी अपने हो गया सामने हाँ अपने लोग को क्या करने का है ना भाई क्या करने का अपने लोग को जो पसंद अपन लोग वो बोलेंगे बराबर ना भाई सही है एक नंबर दो नंबर हम लोग अभी वो सरप्राइज है क्या भाई अरे तुम बोलो अरे बोलो ना भाई अरे भाई बोलो ना ऐसा क्या कर रहे हम लोग है ना एमसी स्टैंड का जो नया वाला वर्जन आया वो तुम्हें मैं अभी हम लोग वर्जन वाला लेने को जा रहे आंटी को पता करा तूने कल लड़की को धमकी देकर आया करने का अरे क्या करने का अरे कुल्फी रैपर के जैसे एमसी स्टैंड बोलता मेरे को बोला तेरा बाप सुनता था ऐसा बोला फिर लफड़े में आ गया फिर गया गुस्सा गुस्सा के मारा इधर गुस्सा सीधा घर के अंदर गुस्सा के मारा ऐसा गंदा कोई नहीं मारा है वन साइड कर देना अपन अपन वन साइड करते अपन वन साइड करते पीछे जाना का डायलॉग है हमारा सिंगल मारा सिंगल मारा सिंगल मारा उसकी माँ क्या बोली भाई गाली दे देते भाई तुम क्या बोले भाई क्या बोला फिर आंटी तुम्हारा तुम्हारे बेटे को समझाओ ना तो मैं समझाने पे आ गया ना कोई नहीं समझाना मैं बेटे को मिस नहीं होने बोला चड्डा पहले अपने बेटे को तमीज क्या बोला तुम भाई बोला अपना
पहले अपने अपा को अमित लेने का फिर अपन से अमित लेने का क्या बोलते पब्लिक भाई वैसा कैसा करते भाई वैसा कैसा करते ओके पैसे देने का फिर नंबर ओके करोड़ देने के लिए अपनी कंपनी का नाम क्या बोलते कंपनी ओके रवा ओके और भाई वो चाचा भी एक तो खोल दिए थे ना भाई चाचा को भी तो दिया हम लोग भाई दिए ना घुसा घुसा दिए कि नहीं भाई नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं करा फिर पीछे से बंदे निकल के हेडी मार अरे मतलब मारो चिच्चा के टकले पे मार सकते घुसा था ना टकले पे घुसा के मारने का सिंगल मारने का भाई वो कैसा मारे तो चिच्चा भाई गुच्छा कैसा मारे थे वो गुच्छा 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 लड़के को उनके लड़के को यार उनके लड़के को वन साइड मारे आपसे हाँ भाई दोस्त बड़े बड़े ना छोटे छोटे कंपनी का हेड है ये सिंगल मारा यार तुम लोग क्या रहने देने क्या करते थे भाई हाँ भाई क्या करते थे एक मोबाइल में दीवाना है एक मोबाइल में दीवाना दो दो फाइट में एक दीवाना आई जा भाई आपका हिंदी अटक गया भाई हिंदी अटक गया तुम्हारा ओके अरे मेहंदी के बाद अरे यार क्या लेकर आया मैं ये हिंदी लेकर आया अब हिंदी बहुत चेंज की भाई अपने को और क्या लेने का भाई जैन भाई गोद में बैठो जरा अम्मी के बताओ ना भाई एक बार बैठो तो सही मेरी भी नहीं सुन आया दो मिनट शांत चले फोटो निकाल चलते बोले रोने की बात मेरे बच्चे बड़े घोड़े नहीं बच्चे वो भी बोलता है सच्चाई
तू निकाल ना भाई उसको दे वो निकालेगी बराबर तू छोड़ चीनू चीनू को नहीं आती चीनू को नहीं आती नहीं आती चल चल निकाल अबे चल बे चीनू इतना ही बोल चीनू तो काली है चीनू तू तेरी शक्ल तो दिखा ये वीडियो ले वीडियो ले वीडियो ले तेरी शक्ल तो दिखा ओ माय गॉड माशाल्लाह क्या कर रहे हो अंडे गिन रहे हो अंडे गिन रहे हो हाँ अंडे गिन रहे हो कितने अंडे दी बिल्ली लोग ने छह पाँच यहाँ देखो जरा तुम भी अरे मेरे हाथ क्यों चूम रहे हो छोटी हो तुम लोग प्यारी प्यारी है चलो चलो जरा कितनी भोली सैलॉन पे और कल मैंने ब्लॉग वहीं रुका दी थी कहाँ पर जहाँ पर हम लोग सैलॉन में थे मेरे बच्चे लोग के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचा है और बोलते ना इतना क्या बोलूँ मैं आप लोगों को कल इतनी मैं खुश थी बहुत अच्छा लगा और मतलब मैं बता नहीं सकती कि बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत खुश हो गई और मुझे यही चाहिए था कि लोग आए और हमारे साथ टाइम स्पेंड करे मतलब बातें करे जैसा एक माँ बेटी और माँ बच्चों का एक बॉन्डिंग होता है क्योंकि मैं अपने बच्चों से मिली थी दो साल एक साल हो गया जब मैं रमजान में मिलने गई थी फिर उसके बाद मेरी बेटी का बर्थडे था फाइजा का तो कैसा लगा आप लोग को मेरे बच्चे लोग से मिलकर क्योंकि मैंने लोग का एक भी इंस्टाग्राम पे नहीं बनाई मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग ली जबकि वो लोग को पसंद नहीं है वो लोग को अच्छा नहीं लगता है किसी को दिखाना और ये सब ब्लॉगिंग करना और मेरी सेकंड वाली तो बहुत ही ज़्यादा कैमरा क्वेश्चंस है मेरी जोया को भी नहीं पसंद जैन भाई का तो चलता है क्योंकि वो छुट्टा है लेकिन मैं फिर भी नहीं डालती हूँ मतलब माशाल्लाह मैं दो तीन साल से मिल रही हूँ ऐसा कभी बंद बीच में ऐसा हो जा रहा है ऊपर नीचे पर मैं कभी नहीं डालती हूँ लाइट थोड़ा चालू करो ना मैं नहीं बताती हूँ किसी को भी क्योंकि मेरे बच्चे मना करते पर मैं अभी इसलिए डाली क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेजेस आता है बहुत से लोग पूछते हैं कि जामिन जी आपके बच्चे कितने हैं आपके बच्चे कहाँ हैं आपके बच्चे कैसे हैं हम लोगों को देखने के अरमान है कैसे दिखते हैं क्या है तो मैंने सोचा कि ठीक है एक मैं ब्लॉगिंग में डाल देती हूँ मैंने लोगों को बोला था कि वो लोग मना ही कर रहे थे मुझे कल मैं क्यों झूठ बोलूँ लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की कि बेटा मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट नहीं दूंगी लेकिन मैं ये ब्लॉग ज़रूर डालूँ क्योंकि ब्लॉग ऐसा है कि बहुत मतलब जिसको पता है आईडी मतलब जो है वही देखेंगे ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम पे आप लोग समझते ये कि और हमारे तो माशाल्लाह ऐसे कोई भी फॉलोअर्स नहीं है कि उल्टा कुछ बोले इंस्टाग्राम पे भी रहो या यूट्यूब पर मैंने बोली ब्लॉगिंग देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो सब इंसान पूछता है हर चीज़ कि आपके बच्चे कैसे कहाँ है किधर है कैसे दिखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कितने बड़े हैं तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लोगों का व्लॉग ले लेती हूँ थोड़ा सा मेरी आँख नम हो गई थी क्योंकि माँ हूँ तो बच्चे मेरा मुझे बहुत खुशी मिली और लगते भी नहीं कि मेरे बच्चे और कल तो मेरा दिन पूरा उसी में गया कि बच्चे लोगों को मैं जैसा पहले रहती थी ना कि उन लोग में रह जाना एकदम से कि मैं और मेरे बच्चे
मतलब बोले कि ये चीज पूरी करना, वो करना, ये करना, ये करना है, वो करना है। फिर भी हमने शॉर्ट टाइम पर 11 बजे हम लोग वहां पर लेने में गई थी, है ना ना? नहीं नहीं सुनो ना, मैं 11 बजे वहां गई थी लाने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से इधर, इधर से उधर, मतलब हर किसी को देखना था। बहुत से जन थे जो ये बोल रहे थे कि अरे हम लोग को देखना है आपके बच्चे लोग को, आपने बताया क्यों नहीं, ऐसा जोया हो गई, हिना हो गई, सब बहुत से लोग हो गए कि हम लोग को बताना था कि हम लोग कुछ लेकर आते थे या हम लोग आते थे, और मेरे बच्चों ने बोला किसी को अपडेट मत देना। तो आप लोग को सब दिखा उसके अंदर, मेरे घर पर गए, मेरे घर का पूरा बिस्तर ऐसी पड़ा था क्योंकि हम मैंने वैसी ही शूट की। मेरे बच्चों ने बोलते कुछ भी नहीं बोलना, बोले नींद में रहे चलेगा, पूरा वैसी ही लोग का फेस लेना। घर में इतने पसारे थे हम लोगों के, लेकिन मुझे वैसे ही ब्लॉगिंग लेना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा मत बताना कि हम लोग आ रहे, अगर आते तो वैसा लोग प्रिपेयर रहते, कुछ करते, कुछ और भी चीजें लेते, गिफ्ट वगैरह, वो हिसाब से मैंने वैसे ही ब्लॉगिंग ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलूँगी कि जोया, फायजा, जैन तुम लोग आए, ऐसी आते रहो, ऐसी प्यार करते रहो, भले तुम लोग मंथ में दो बार आओ, ऐसी सबसे मिलो, मुझसे मिलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल मैं गई लोग को लेके आई, हम लोग मैगडी वगैरह गए, फिर लोग के साथ, हम लोग के साथ पूरे हम लोग मिले, मैं, जोया, फायजा, जैन, जारा, हम लोग सब। तो मुझसे ज़्यादा तो बच्चे लोगों को जारा ने ज़्यादा संभाली क्योंकि वो लोग, उन लोग को ही थोड़ा सा वो कर रहे थे, मतलब जारा को एकदम देखना पड़ा, और मैगडी भी उसी ने लेकर गई थी उन लोगों को। फिर मेरा जैन भाई कल उसने एमसी स्टैंड की क्या चैन पहना था ना, हाँ चैन पहना था, कौन सी चैन पहना था, एमसी स्टैंड की, एमसी स्टैंड की चैन दिलाई जारा ने उसको। और फिर वो और क्या लिया, दूसरी भी चैन लिया, हाँ। तो मतलब उसी में पूरा दिन गया हम लोगों का, दोनों जन ने हमने बहुत अच्छा संभाले। और जारा ने तो घर पर आकर भी उसको लेकर गई थी बाहर क्योंकि वो जिद कर रहा था, अब बच्चे तो बच्चे करेंगे, उन लोगों को तो कोई रोकेगा नहीं। और वहाँ रहते तो लोग पूरा उन लोग की तरफ से रहते, यहाँ रहेंगे, मतलब मेरे पास तो अभी फर्स्ट टाइम आए थे मालूनी में लोग आए 6 साल के बाद, तो लोग वैसा रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 6 साल की कुछ बातें करूँ, कुछ निकालूँ, बस उन लोगों को इधर लाना था। और मुझे ऐसा था कि उन लोग को आते रहे जाते रहे, वो हिसाब से मुझे खुशी मिली उन लोग से बहुत। और माशाल्लाह जोया भी इतनी बड़ी हो गई है, फायजा है, जैन है, और जैन भाई की बातें आप लोग ने सुनी है, कैसी बातें कर रहा था भाई वाली की, वो ऐसा नहीं कि अभी भी कर रहा है, माहौल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मेरा बेटा माशाल्लाह बचपन से ऐसी है, अभी बचपना ही उसका, लेकिन वो जब से वो बातें करने चलने लगा तब से ऐसी एकदम, बड़े लोग से दोस्ती करना, भाईगिरी की बातें करना, जैन भाई ऐसा। और उसको हम लोग सब जैन भाई बोलते हैं, मैं भी उसको जैन भाई बोलती हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब पूछते हैं कि जाना को कैसा लगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यार। अच्छा लगा जाना, और कल रात मुझे भी खराब लगा, अरे यार चले गए, शिट यार, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पूरा हम लोग उन लोग के साथ में थे, शाम तक सॉरी। और मुझे उन लोगों को रखना था, पर मेरी फायजा वाली, और जो मेरी फायजा है ना, फायजा है ना, मम्मा मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड्स लोग आने वाले, ऐसा वैसा, तो उन लोग को छोड़ी, वरना मैं उन लोग को रखने का ही प्लान, अगर रखने भी आए तो ही मैं खुश हूँ, अगर लोग जाना भी है तो ही मैं खुश हूँ। और मेरा ब्लॉग देखते भी बच्चे लोग, तो बच्चे लोग ये मत समझना कि मैं ब्लॉग डाली हूँ तो मुझे किसी को दिखाना है, नहीं, ये बात है कि मुझे जो मेरे प्यार करते हैं, जो मेरे फॉलोवर्स है, जो मेरे इंस्टा फैमिली है, जो मेरे यूट्यूबर फैमिली है, मुझे उनको भी दिखाना रहता है कि वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत ये करते कि मैम आपके बच्चे लोग को आपको दिखाऊं, प्लीज़ हम लोग को देखना है। तो मैं इस वजह से डाली ब्लॉगिंग, और जितना मैंने थोड़ा बहुत ही ली, ज़्यादा तो मैंने बैठ के तुम लोग के साथ में कुछ ली भी नहीं हूँ कि तुम लोग को ऐसा लगे कि अम्मी ब्लॉगिंग ले रहे हैं, ऐसा वैसा। और दिल की बातें ऐसी आगे होती भी रहेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी कुछ आप लोग को पूछना रहेगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, बच्चों को लेकर, कुछ भी बात को लेकर, कि 6 साल के बाद क्यों आए, या फिर जो भी जैसा भी आप लोगों को पूछना है कि वो लोग मलाड नहीं आते, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे आएंगे भी और ऐसे सोचेंगे भी, तो मैं पहले ही बता दूं, तो मैं वैसी प्रिपेयर हूं और मैं बताने के लिए भी एकदम रेडी हूं। तो आप लोग पूछ सकते हो कुछ भी चीज़ मुझसे, और बिंदास जो जैसा है मैं वैसी बताऊंगी आप लोग, थोड़ा सा रिव्यू लेते जाना से क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है भाई, मेहनत ही बोलेंगे, सबसे ज़्यादा मेहनत की है हम लोगों ने, जाना ने भी, क्योंकि उन लोगों को इधर लाना था हम लोगों को, और मेरी खुशी यही थी, तो इसलिए जाना ने बहुत मेहनत करी है। क्या बोलेंगे आप जाना, अच्छा लगा? ये तो बड़ा अच्छा लगा,
है ना, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच जाना। और मेरे बच्चे लोगों को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले से वो लोग ज्यादा दीदी करते ही है, और वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे बॉन्डिंग क्या है। मेरे बच्चे भी ऐसा नहीं कि सारा से फर्स्ट टाइम मिल रहे, नहीं, मेरे बच्चे जब जैन हुआ भी नहीं था तब से जारा से मिलते, जारा लोग को दोनों को जुड़वा ही बोलती थी, बराबर ना। तो इस बारे में हम लोग बात करते रहेंगे आगे भी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सब देखने मिलेगा। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ, ऐसे ही प्यार करो, ऐसे सपोर्ट करो। और कुछ बोलेंगे जाना की तबीयत थकी हुई इसलिए क्योंकि ये 4 दिन पहले ही गिर चुकी थी, और जो बात हमारी अधूरी रह गई है इसके अंदर, जो मैंने बोल बोलकर थोड़ा सा फिर रुक गए, फिर मैंने बात को थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाई दी, कुछ पीछे कर दी। तो आप लोगों को जो कमेंट करना आप करना, और उसके बारे में हम लोग बात इंशाल्लाह करते रहेंगे। और दुआ करना कि मेरे बच्चे ऐसी आए, भले महीने में 2 बार आए, आज मिलने आ रहे सुबह से शाम तक का, उनके दिल में ऐसी प्यार रखे और वैसी लोग रुकने आए, और जैसा करते हैं उन लोग का दिल हुआ है तो लोग रहने भी आ सकते हैं एक दिन के लिए, तो ज्यादा खुशी होगी। इंशाल्लाह आप लोग ऐसे व्लॉग में देखते रहेंगे मेरे बच्चे लोगों को, और दुआ में याद रखना और ऐसे सपोर्ट करना और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और बेल बटन भी दबाना। बाय बाय, लव यू।